हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल के बारे में जानेंगे। अगर आप एयर कंडीशनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज है ना, बहुत जरूरी है। अगर आपको देखा जाए तो इसमें यूज तो 50% इलेक्ट्रिकल और 50% मैकेनिकल का आपका हो जाता है, जो भी पावर वायरिंग से लेकर कंट्रोल वायरिंग तक जो है आपको करना रहता है। एसी टेक्नीशियन ही इस चीज को करते हैं। तो हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में जानेंगे, जो नए हैं इस फील्ड में वो इलेक्ट्रिकल का भी कुछ नॉलेज लेने जान लें। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा डीपली इलेक्ट्रिकल का नॉलेज लेना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों का इलेक्ट्रिकल का चैनल है जिसमें आपको डीपली तरीके से बताया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। हम थोड़ा ईजी मेथड में आप लोग को बताएंगे जो हम लोग यूज करते हैं, और वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है, अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगर काम कर रहे हैं तो। ये देखा जाए तो बहुत ही मतलब सेंसिटिव चीज है ये। अगर इसके बारे में मालूम नहीं है, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का जो है दुर्घटना हो सकता है आपके साथ। तो हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ के बारे में जानेंगे। फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है, अर्थ क्या है। तो फेज में हमारा कमिंग करेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कमिंग करेंट, इसके अंदर हमारा करेंट का फ्लो होता है फेज के अंदर, जिसको हम लोग लाइव वायर, हॉट वायर, मेन लाइन, मेन वायर, इस तरह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। न्यूट्रल जो है ये रिटर्न करंट इसमें होता है, इसको हम लोग कोल्ड वायर के नाम से जानते हैं। और अर्थ जो है ये हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी फेज का जो है, जो वायर यूज करते हैं उसके लिए हम लोग रेड वायर यूज करते हैं, फेज के लिए जो हम लोग रेड वायर यूज करते हैं। और समटाइम इसके लिए अगर मान लीजिए थ्री फेज का मोटर है तो थ्री फेज अगर हम लिए हैं तो थ्री फेज के लिए रेड, येलो एंड ब्लू, ये तीन वायर यूज करते हैं। और न्यूट्रल के लिए हम लोग ब्लैक वायर यूज करते हैं, और अर्थ के लिए ग्रीन यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी मैकेनिकल डिवाइस को चलाने के लिए, रन कराने के लिए हमें फेज, न्यूट्रल, अर्थ, ये सबका जरूरत पड़ता है, फेज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अगर सिंगल फेज का मोटर है तो उसको फेज न्यूट्रल चाहिए, अगर थ्री फेज का मोटर है तो थ्री फेज उसको मिलेगा तो वो रन करता है। अब हम लोग जानेंगे कि हमें कहां पे करंट से बचना है, कैसे बच सकते हैं। ये फेज में जो है, कभी भी हम लोग फेज का काम करें तो हमारा जो है दस्ताना जो है पहना हुआ होना चाहिए, जो इंसुलेटेड हो, और इसके अंदर अगर हम टच भी करें तो हमको करंट का फ्लो ना हो। और इसके लिए हम अगर फेज में अगर कभी भी टच करेंगे तो हमें ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, बॉडी जो है हमारा ग्राउंड से, जब तक आप ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक आपको करंट नहीं मारेगा। अगर आप डायरेक्टली ओनली फेज वायर में आप टच करते हैं, किस तरह से आप पकड़ भी लेते हैं, जब तक आप ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है तो आपको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। आपके अंदर, बॉडी के अंदर करंट का फ्लो रहेगा बट आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि आप ग्राउंड कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जो है जमीन में खड़ा होकर के इसमें टच करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी आपका न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। क्यों, ग्राउंड से ना, ये न्यूट्रल भी मालूम है ट्रांसफार्मर से निकल के, इसको भी लास्ट में जाके ग्राउंड ही किया जाता है न्यूट्रल को, उसका एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो हमारा जब आप इंसुलेटेड नहीं है, रबड़ के नीचे मैट नहीं है या सेफ्टी शूज नहीं पहने हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप डायरेक्ट लाइव वायर को टच करते हैं, पकड़ते हैं, तो उसमें मतलब इंसुलेटेड वो नहीं है, तब उसमें आपको करंट मारने का, करंट मारेगा आपको, कैसे मारने का चांस तो नहीं, करंट मारेगा, ठीक है। दूसरा हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम लोग पकड़ सकते हैं, इसमें करंट नहीं मारेगा। हाँ, अदरवाइज इन साइड कुछ ट्रबल शूट हो जाता है तो उसके बाद हमारा न्यूट्रल में करंट आ जाता है कभी कभी। अर्थ जो है हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है, ये जो है हमारा जो है बॉडी को सेफ करता है। मान लीजिए एक मशीन है, फ्रीज है, ठीक है ना, ये फ्रिज मान लीजिए, इसके अंदर क्या है कि आपका फेज और न्यूट्रल आया, ठीक है, फेज और न्यूट्रल आया। अभी बाय चांस फेज जो आप इसके अंदर आ रहा था वो कहीं से इसके अंदर लीक करंट हो गया, लीकेज हो गया, इसके अंदर से कट गया, तो कट होने के बाद क्या होगा कि ये पूरा बॉडी में पूरा करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना, इसके पूरा बॉडी के अंदर जो है पूरा फैल जाएगा। जब आप कोई सामान लेने जाएंगे, किसी तरह से कुछ काम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस टाइम जो है आपका बॉडी भी न्यूट्रल का काम करने लगेगा, वो फेस के साथ वो पूरा फैला हुआ है ना, आपका पैर में चप्पल है नहीं है, चप्पल भी है तो उस तरह का चप्पल है कि नहीं है, रबड़ मैट का है कि नहीं वो मालूम नहीं, तो आपका जो है
बॉडी करंट का काम करने लगेगा और आपको जो है यहाँ पे शॉक लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, अर्थ एक आता है, अर्थ अर्थ को क्या किया जाता है, अर्थ को ग्राउंड किया हुआ रहता है। अर्थ जो है कभी भी ग्राउंड किया हुआ रहता है कि अगर कहीं से लीकेज करंट होता है तो सबसे पहले जो है अर्थ जो है इसको इसके जरिए जो है ग्राउंड हो जाता है। हमारा जो फेज आ रहा है ना, उसके बाद आप इधर टच करते हैं तो करंट नहीं मारता है आपको। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, इधर से भी जा सकता है, आप भी खोलेंगे तो आपको भी करंट मार सकता है और इधर भी जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बेनिफिट क्या है कि ये जो हमारा अर्थ के लिए जितना हम लोग रेजिस्टेंस देते हैं, ओम्स जो बनाते हैं इसका, ये 8 ओम्स तक इसको ये किया जाता है, ये जो है ना 8 ओम्स तक इसको इसका वैल्यू रहता है, इसका वैल्यू जो है 8 ओम तक रहता है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस जो है, हमारा प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारा 1000, वो भी वेट कंडीशन, अगर भीगा हुआ कंडीशन में हम है ना, तो 1000 तक हम लोग ओम्स को जो है उसको संभाल सकते हैं, हमारे अंदर इतना कैपेसिटी रहता है, जो कि हम लोग जब अर्थ बनाते हैं तो मैक्सिमम 8 ओम्स तक हम लोग बनाते हैं। तो कभी भी मान लीजिए अगर करंट का फ्लो हो रहा है, अगर लीकेज करंट हो गया, तो हमारा बॉडी को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम वो फेज जो है ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, वो ग्राउंड में चला जाएगा और हम इजली सेफ हो जाएंगे। मान लीजिए बीच में सबसे इजी रास्ता है इसको जाने के लिए, जो करंट का फ्लो होने के लिए, ये पड़ता है, जो कि ये 1000 से ताकत से जोड़ लगाएगा और ये 8 ओम्स, तो इसके जरिए पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है हमारा सेफ्टी का यूज करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फेज वोल्टेज क्या है एंड लाइन वोल्टेज क्या है, तो देखिए थोड़ा एक लिख दिया डिफिनेशन, द वोल्टेज मेजर बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। मतलब कि हम लोग फेज और न्यूट्रल के बीच का जो मेजर करते हैं वो हमारा फेज वोल्टेज कहलाता है, जितना वैल्यू आएगा। जैसे कि ये हमारा फेज है, ये न्यूट्रल है, ये दोनों के बीच में जो हम चेक करेंगे कैलोरीमीटर के द्वारा, ये हम लोग कितना वोल्टेज का सप्लाई है, इसके अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है, वो हम लोग चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैलोरीमीटर को वोल्टेज का पॉइंट में सेट करते हैं और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए 220 आ रहा है, 230 आ रहा है, 240 आ रहा है, इट कॉल्ड फेज वोल्टेज। ठीक है ना, ये हमारा फेज वोल्टेज जाएगा। लाइन वोल्टेज में क्या हो जाएगा, द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस टू फेज इज कॉल्ड वोल्टेज, इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज, सॉरी इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। मतलब कि टू फेज, जैसे कि अभी 3 फेज आया, ये रेड येलो ब्लू L1 L2 L3, हम लोग इसके और इसके बीच में चेक करेंगे तो हमारा 440, 450, 420, जो भी मतलब जितना भी वोल्टेज होगा, ये हमारा ये दो लाइन के बीच में चेक करेंगे ना, ये हमारा कहलाएगा लाइन वोल्टेज, और हमारा फेज और न्यूट्रल चेक करेंगे तो ये हमारा फेज वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानेंगे ये वोल्टेज, तो हम लोग जानेंगे वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस क्या है। तो वोल्टेज जो है हमारा प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड वोल्टेज। आपको एग्जांपल देके समझाते हैं, जैसे कि ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ठीक है, ग्लास के अंदर ये पानी है, ओके, ये पानी है। अभी ग्लास को आप फेंकते हैं, समझ गए, ग्लास को जो आप फेंकते हैं तो जो फेंकने में जो प्रेशर लग, जो प्रेशर से ये जाता है, इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है ना, जो प्रेशर से आपने फेंका वो प्रेशर हमारा वोल्टेज कहलाता है, जितना प्रेशर से जा रहा है। जैसे कि आप पानी का लाइन में प्रेशर फेंकते ना, 2 PSIG, 5 PSIG, 10 PSIG, 1 bar, 2 bar, वो जो बार हो गया, जो प्रेशर हो गया, वो हमारा वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, वोल्टेज। लेकिन अभी करंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितना क्वांटिटी का पानी है, मतलब कि ये भरा हुआ भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, तो इसके अंदर जो पानी है ना वो हमारा करंट हो गया। समझ में आ गया, प्रेशर जो हो गया वो हमारा वोल्टेज हो गया, और इसके अंदर जितना पानी जो है वो हमारा करंट हो गया, और दूसरा तीसरा हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है, अभी मान लीजिए एक पाइप से पानी जा रहा है, बीच में यहाँ पे कुछ एक ये सपोर्ट के लिए, यहाँ पे कुछ रोकने के लिए पानी का ये लगा दिए,
कुछ भी चीज है, मान लीजिए पहाड़ से पानी आ रहा था, बीच में बहुत सारा पत्थर पड़ रहा है, बहुत सारा कुछ ये पड़ रहा है, इसके बीच में जो भी रुकावट आएगा, मतलब करंट के बहाव में जो रुकावट पैदा करती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर अभी आप एक करंट का फ्लो हो रहा है, तो घर में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी फैन का कनेक्शन ले लिए, फ्रिज का कनेक्शन हो गया, वॉशिंग मशीन का कनेक्शन हो गया, तो वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हो गया, वो हमारा करंट का फ्लो में रुकावट को पैदा कर रही है। आपको समझ में आ गया हो कि प्रेशर से जो जाएगा वो हमारा वोल्टेज कहलाएगा, जितना क्वांटिटी के अंदर फ्लो होगा वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, सॉरी करंट कहलाएगा, और उसके बीच में करंट के फ्लो के बीच में जो रुकावट पैदा करती है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाती है। यही चीज था आज का ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, किसी और चीज के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और कुछ और दूसरे चीज पे आप दूसरे टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में मैसेज करें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चले मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अपना आप ख्याल रखें।